अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, या इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो आगाज करने से पहले मैं अच्छा आपको ये बता दूं कि चूंकि बहुत लेंथी टॉपिक है और इसकी जो स्लाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट 150 के करीब हैं, तो ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा जो रेट ऑफ काइनेटिक्स या जो है रेट ऑफ रिएक्शंस या केमिकल काइनेटिक्स जो पूरा का पूरा हम इसमें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद या इस लेक्चर्स के बाद जो हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर 14 होगा केमिकल काइनेटिक्स होगा, आपने अगर ये पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपको फिर इस टॉपिक में किसी और चीज की आपको जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश करी है कि आपको जो है वो कंप्लीट इसमें आप गाइडेंस दूं, कंप्लीट जो है वो आपको बताऊं। तो लेकिन इसके लिए जो है ना फिर ये है कि हमने पार्ट्स में इसको वीडियो बनाएंगे या लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आज का पार्ट हम देखते हैं कहाँ तक कवर कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है हम आगे आगे जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ठीक है, फिर आगाज करते हैं। तो काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स हमारे पास स्टडीज द रेट एट विच अ केमिकल प्रोसेस अकर्स, ठीक है। किस चीज की स्टडी है ये कि केमिकल जो प्रोसेस हमारे पास होते हैं, केमिकल इश्यू हमारे पास होता है उसका रेट क्या है, रेट क्या होता है हमारे पास। बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि हमारे पास कितना रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ये हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एट विच रिएक्शन अकर्स, काइनेटिक्स आल्सो शेड्स लाइट ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म, exactly how the reaction occurs। अच्छा, सिर्फ स्पीड हम चेक कर रहे हैं, हम हर वो फैक्टर्स को देख रहे होंगे कि क्यों और क्या क्या चीजें इस पे असर अंदाज हो रही हैं और रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास बेसिकली है क्या। रेट अगर स्लो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, रेट अगर फास्ट हो रहा है तो किस वजह से फास्ट हो रहा है, और अगर हमारे पास मल्टी स्टेप कोई रिएक्शन है तो उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको हमारे पूरे रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे पास जो है ना असरअंदाज कर रहे होते हैं हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को। द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स विल डिटरमाइन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द रिएक्शन रेट एंड ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल ओवर दिस, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू स्पीड अप और स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे नेचर होती है रिएक्टेंट की जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को असरअंदाज कर रही होती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बट हम कुछ कैटलिस्ट डाल के या कोई कोई ऐसी बीच में कोई ऐसी रुकावट डाल सकते हैं या कोई ऐसे स्पीडअप के लिए हम कुछ ऐसा रिएक्शन डाल सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन असरअंदाज हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट है क्या, आया वो सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सी स्टेट में, और क्या उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने से, स्टेट ऑफ मैटर के एग्जिस्ट करने से हमारे रेट पे क्या असर अंदाज हो रहा होता है। इन ऑर्डर टू रिएक्ट मॉलिक्यूल मस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द मोर होमोजीनियस द मिक्सचर रिएक्टेंट द फास्टर द मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट। अच्छा, बिहाइंड द स्टोरी हो क्या रहा होता है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है। हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ये कोलिजन की वजह से हो रहा था। हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड एक दूसरे से करते हैं। अच्छा, वो कोलाइड जो है वो ऐसा नहीं कि वो लेट सपोज वो टकराए और कोलिजन हो गया और रिएक्शन हो गया, नहीं, कोलिजन तो होता है लेकिन इफेक्टिव कोलिजन भी हमारे पास एक चीज होती है जिसमें हम ये चीजें देख रहे होते हैं कि अगर कोई चीज का टेल है उसको दूसरे मॉलिक्यूल की टेल से टकरा रहे हैं, तो जब वो टेल टू टेल टकराएंगे तभी हमारे पास जो है वो इफेक्टिव कोलिजन होगा और हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारे पास जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, शेप ऑफ द एटम होता है, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और वो चंक्स के चंक्स जो है हमारे पास मोटे मोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई शुगर है, शुगर के अगर हम चंक्स लेंगे, मोटे मोटे दाने लेंगे, तो वो हल होने में, डिसॉल्व होने में टाइम लेंगे, लेकिन अगर उसकी जगह हम पाउडर फॉर्म लें तो हमारे पास वही जो है डिसॉल्व होने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है वो नेचर स्टेट ऑफ द मैटर से फर्क पड़ रहा होता है। अच्छा, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द, अगर हम रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा देंगे फिर क्या होगा,
एज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस सो डज द लाइवलीहुड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड रिड्यूसिंग वॉल्यूम और इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ गैस विल कॉज अ कंसेंट्रेशन इंक्रीज इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड इंक्रीज कंसेंट्रेशन अवेलेबल ऑफ पार्टिकल्स. अच्छा इसको मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये है कि अगर हमारे पास कोलिजन हो रही है, अगर हमारे पास पांच मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास और एक वॉल्यूम बहुत सारा है, वॉल्यूम हमारे पास बहुत बड़ा सा है, तो बहुत देर में जाके हमारे पास जो है वो कोलिजन होगी और ये भी नहीं पता कि वो क्या इफेक्टिव कोलिजन है या नहीं. तो अगर मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास पर यूनिट टाइम पर सेकेंड हमारे पास कम से कम पांच मॉलिक्यूल आपस में टकराए, ठीक है, कोलिजन रेट जो हमारे पास फाइव मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट फाइव मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड हो, तो मेरे पास जो है वो दो तीन रास्ते ही है. क्या रास्ते ही है? तो मैं उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं. जब मैं कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा पांच मॉलिक्यूल से, अगर मैं उसको 50 करूंगा तो हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं कि हो सकता है कि हमारे पास जो है ना वो एट अ टाइम पांच मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हो, या मैं जो वो पांच मॉलिक्यूल जो है उनको ज्यादा स्पेस मिला हुआ है मैं उस स्पेस को कम कर दूं, यानी वॉल्यूम में कम कर दूं, या मैं प्रेशर जो है वो बढ़ा दूं. बात एक ही है, वॉल्यूम कम करना है प्रेशर बढ़ाना एक ही बात होती है, ठीक है. तो ये तीन हमारे पास रास्ते हैं कि हम अपनी जो इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ा दें, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा बनेगा और तेजी से बनेगा. अच्छा टेम्परेचर से क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इंक्रीज इन टेम्परेचर से हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. किस तरीके से बढ़ेगा? एट हायर टेम्परेचर्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन एंड विद ग्रेटर एनर्जी. अच्छा अब हमने जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ा दिया. हम टेम्परेचर की आपको डेफिनेशन पता होगी, टेम्परेचर की डेफिनेशन ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. जब हम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ा रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल जो है लेट सपोज एक दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचने में अगर पांच सेकंड ले रहा था तो अब वो विद इन अ सेकंड पहुंच रहा होगा. तो जब हमने जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से मीटअप करने का, कोलाइड करने का हमने कम कर दिया बाय इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विद अ मोर फोर्स, तो हमारे पास जो है डेफिनेटली हमारे पास जो है क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा. अच्छा कैटलिस्ट, हम ये बात जानते हैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है. कैटलिस्ट क्या करता है? द लिमिट हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, ठीक है. तो कैटलिस्ट स्पीड अप रिएक्शंस बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन. अच्छा ये बात भी हमें समझ आ गई थी, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कैसे करेगा? जाहिर सी बात है उसका जो बैरियर था, जो उसको जो स्टार्टअप होने के लिए जो रिएक्शन को एनर्जी चाहिए थी उसको कम कर देगा, और जैसे ही एनर्जी कम हो जाएगी हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा विद द हायर स्पीड, ठीक है. अच्छा ये बात हमने लाजमी ध्यान नशीन रखनी है कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो ओवरऑल द रिएक्शन जो है वो कंज्यूम नहीं होता और इन दिन हमारे पास वो मिल जाता है, ठीक है. अब यहां पर हमारे पास कुछ बातें हैं, वो ये है कि हाउ डस इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टिव कंपाउंड्स ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इफेक्ट द रेट एट विच द कंपोनेंट रिएक्ट्स विद वन अनदर, ठीक है. तो इसका जवाब क्या होगा? इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया है किसका, रिएक्टिव कंपाउंड्स का, गैसियस मिक्सचर का, जाहिर सी बात है उसका जो रेफ्रिजरेशन बढ़ जाएगा. किस तरीके से बढ़ेगा कोई बता सकता है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है क्या? पार्शियल प्रेशर होता है कि एट विच द जो हमारे पास जो वो है बेसिकली जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. ऑफ कोर्स वी नो दैट जैसे ही वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मूव फ्रीली करेंगे इन द एटमॉस्फेयर या इन द सराउंडिंग, ठीक है. और जब वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी जो कोलिजन जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दे आर मूविंग विद फास्टर एनर्जी, ठीक है ना. तो इसी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा. अच्छा इस पार्ट को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है किस तरीके से हमारा जो कंसेंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को असरअंदाज कर रहा होता है या उसको जो है चेंज कर रहा होता है या उसको इफेक्ट कर रहा होता है उसको हम स्टडी करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम पार्ट टू में डिस्कस करते हैं. Thank you.